बाणी बोलिए मन का आपा खोय, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोय, और इनको शीतल करे और इनको शीतल करे, आप उसी तल होए कबीरा, आप उसी तल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंती को छाया नहीं, पंती को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर, कबीरा चौक पर मांगे सब ठीक है, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सब ठीक है, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर कबीरा, ना कहूँ से बहुत शुक्रिया ग्वालियर, थैंक यू सो मच, जबरदस्त। और आपके बीच में एक बार फिर से मौजूद हूं। ग्वालियर कई बार आना हुआ, लेकिन लाइव में कोई लंबे अरसे के बाद मैं यहां पर मौजूद हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेहमान सारे आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शो स्टार्ट करूं उससे पहले एक दो बातें मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि जितना आप मुझसे प्यार करते हैं, तौल के देख लीजिएगा, उससे तीन गुना मैं ज्यादा करता हूं आपसे। चाहे तबीयत कैसी भी हो, लेकिन आपके बीच में पहुंचना सौभाग्य से कम नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे लोग बहुत दिनों से इंतजार करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेहमानों का शुक्रगुजार हूं जो यहां पर मौजूद हैं। एक बात जरूर है, कहने दीजिएगा, जो बोल रहा है बोलने दीजिए, पूरी बात कहने दीजिए, उसके बाद दूसरा शख्स जो बोलना चाहे उसको बोलने दीजिए, ये तरीका है। मुझे मालूम है चुनाव है और सबकी जो आंखें हैं वहीं टंगी हुई हैं चुनाव पर। मैं ज़रूर बात करूंगा, लेकिन मैंने हमेशा एक बात कही और वो ये कि ये शो जो है चुनावी शो नहीं है। लगभग 10 बरस हुए इस शो को करते हुए, वैसे 17 बरस हो गए। मैंने कहा इस शो को पॉलिटिकल शो नहीं है, इसमें देश दुनिया की तमाम बातें जो मुझे लगता है कि जी राष्ट्र की हित की बातें, वो तमाम सारी बातें जो जरूरी हैं कही जानी चाहिए, हाशिए के लोग उनको जरूर मौका मिलना चाहिए। और ये शो वही है, आपके शहर की पहचान कैसे बने। बड़ा खूबसूरत ये जगह जहां पे मैं इस वक्त मौजूद हूं, बाड़ा जगह कहते हैं इसको। थैंक यू सो मच तानसेन की, सम्राट संगीत के सम्राट तानसेन की ये नगरी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गौस साहब को याद करता हूँ, वो तमाम सारे लोग पुरोधा जो ग्वालियर से जुड़े हैं, आपकी माटी को नमन करता हूँ। और सबसे ज्यादा तो मुझे एक बात याद आती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन चंबल का पानी तो अलग से दिखता है। आदमी कहीं भी हो, मुझे कहा गया कि एक बार हफ्ते भर चंबल का पानी पी ले तो सोता हुआ आदमी भी जग जाता है। चंबल के पानी में वो तासीर है, मैं आपकी तासीर को समझता हूँ, उस तासीर को प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ और बातचीत के सिलसिले को जरूर। अरे रुको, इतनी जल्दी आ जाए फोकस में, क्या हुआ? कौन बोल रहा? मैं जितना बचाऊं कि ये पॉलिटिकल शो नहीं है, लोग मानते ही नहीं, कहते ये तो वही है बोलना, इसमें वही है जी। कहाँ से आना हुआ भैया आपका? मैं ग्वालियर से ही हूँ। ग्वालियर से ही हैं, क्या नाम है आपका? मेरा इशू शर्मा नाम है। इशू शर्मा, अरे रुकने कोशिश करिए, बैठ जाइए जल्दी बैठिए जी। इशू शर्मा क्या काम करते हैं? मैं प्रशिक्षक, पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कहना है, कोई बात है, कुछ कहना चाहते हैं? खैरियत है।
कह दो। अरे चंबल के आदमियों को इसमें सोचोगे हाँ? बोलो भाई बता जी, भाजपा कर रही है, देख लो क्या हो रहा है इसके अंदर। एक एक चावल निकालते जाना, और मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूँ, चावल या बिरयानी पकी वो एक ही चावल से पता चल जाता कि कच्ची है कि पकी है। तो मैं तो बस बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। कहाँ से आना हुआ भैया? छतरी मंडी से। अच्छा तो खड़े हो जाओ, बैठने की कसम खाए हो। हाँ पर क्या नाम? राजकुमार कुशवाहा। राजकुमार कुशवाहा। कुशवाहा साहब क्या काम करते हैं? क्या लेबर मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं, और यही इस शो की खूबी है कि मजदूर भी आके फ्रंट कुर्सी पे एक घंटे से इंतजार करता है, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, ये शो उसी का है। कितनी देर से इंतजार कर रहे थे? लगभग 1.5 घंटा हो गया मेरा। भैया जी भी झूठे हैं, बताओ 1.5 घंटे वाली बात को 1 घंटा बता देते हैं। लाइटें लग रही थी जब से बैठा हुआ, इंतजार कर रहा था मैं। हाँ, क्या इंतजार कर रहे थे? के शो चालू कब? 6 बजे। अच्छा देखना क्या है शो में तुम्हें, ये बताओ जी। देखना है के काम का देखना है, सब देखना है मेरे। हाँ काम आपको देखना है तो हमको देखना है। तो भाई अभी कुछ कोशिश करते हैं, बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं। बाबूजी जो मेहमान है उनसे पहले तारुफ करा दें आपका। हमारे हाँ हाँ मुझे मालूम, हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, शाम हो गई है। ये मेरा कोई बात मुझे मालूम है शाम हो गई है, और शाम का इंतजाम बहुत सारे लोग पहले ही दिन में कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, उसको छेड़ो नहीं, उसको छेड़ोगे जितना छेड़ोगे उतना परेशान, उसको खड़ा रहने दो बस ठीक। पानी वानी का इंतजाम करो इनका, और देखो जैसे भी हो। अजित भदौरिया जी मौजूद हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया कांग्रेस से, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नीतीश शर्मा जी बीजेपी से पक्ष रखने के लिए, अमित शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, आज एक कवि महोदय भी आए हैं, मैं उनको भी लेके आऊंगा बीच में बातचीत के सिलसिले में। जी क्या हुआ मुझे बताओ क्या हुआ, बात क्या हुई, बोलो क्या नाम है, क्या बात नाम है? थोड़ा सा आराम से देखो। हाँ आराम से देखो ना, जब दिखाई तो पड़ रहा है शो में, ये बोल रहे हैं बार बार धक्का आ रहा है, धक्का आ रहा है, वो धक्का ज्यादा नहीं आएगा। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। राहुल जी ने आज एक बात कही, मैं शुरू करूं? मैं जो ऐसे नहीं, जोर से बोलो। हाँ तो शुरू करता हूं। राहुल जी ने एक बात कही कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तूफान आने वाला है। हाँ 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 जी, नहीं आएगा? हाँ 140 प्लस सीटें। हाँ आ गया, बढ़ो। हाँ जी हाँ, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आया था, पूरी साफ कर दी थी कांग्रेस को भाजपा ने, 28 सीटें लेके आए थे, 28 सीटें कहाँ से दुबान आएगा कांग्रेस? हाँ जी, देखो, ये मैंने नहीं कहा, ये राहुल जी ने कहा है। जो राहुल जी ने कहा, बहस का आगाज करना है मुझे, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तूफान आने वाला है। जी हाँ जी, मैं बात रख रहा हूँ, मैं आगे, आप ही इसके देवता हैं शो के, मुझे थोड़ी ना कुछ करना है उसमें। जी बोलिए साहब। इस बार तूफान आके रहेगा। तूफान आके रहेगा? हाँ इस बार तूफान आएगा, क्योंकि युवाओं में भी बहुत आक्रोश है, युवाओं में बहुत आक्रोश है, तूफान आके रहेगा। जी एक 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 करके मैं आ जाता हूँ। जी जनाब, इस बार मामा जी से उनके भांजे नाराज है। मामा जी से भांजे नाराज है। जी जी मैम नमस्ते, नाम बताइए। पिंकी सिंह ग्वालियर। पिंकी सिंह ग्वालियर, क्या काम करती हैं आप? अभी तो हाउस वाइफ हो वैसे। अरे तो सबसे देश का दुनिया का सबसे कीमती काम आप करती हैं, पहले नमस्ते आपको, बहुत बहुत जी। के लिए वो था, आज एक्साइटमेंट पूरा हो गया हमारा ग्वालियर में आपको देख के, बहुत बहुत शुक्रिया। पिंकी जी सवाल आपका, क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी लाडली बहना बहुत खुश है, और मोदी जी योगी जी से तो बीजेपी समझ लो आप ऐसी चमक रही है, लेकिन शिवराज सिंह से और भी चमक रही है। शिवराज जी से और भी चमक रही है। तो राहुल जी का कहना है कि एमपी में कांग्रेस का तूफान आने वाला है। डिबेट स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले बीजेपी। राहुल गांधी को ग्वालियर के लोग केवल चैनल पे इसलिए देखते हैं कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है हमारे लिए।
ग्वालियर की जनता जानती है और ये तालियां बता रही हैं कि राहुल गांधी क्या हैं, जो आलू से सोना बनाते हैं और कहीं ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं, कहीं मैकेनिक बन जाते हैं, वो नाना कहीं कुली बन जाते हैं, वो राजनीतिक क्षेत्र में है, थोड़ी राजनीतिक समझ को विकसित करें, इतना कहना। मोदी भी तो ढोल बजाते हैं, कभी वेशभूषा बदल लेते हैं, बैरू भी बन जाते हैं। ये जनता है, इससे खेल बड़ा जबरदस्त होता है। बाबूजी नमस्ते, मुझे अगर आप ना मिलते तो मैं अधूरा चला जाता यहाँ से। बताइए। मुझे बताया गया कि चंबल में आए और चंबल का पानी देखें और चंबल में मूछे ना देखें तो सब बेकार है। बिल्कुल सही कह रहे हो साहब आप, ग्वालियर की पहचान और चंबल की पहचान मूछे और बलबल मूछे हैं। तो आपका नाम हो गया साहब? ध्रुव वगेले। ध्रुव? ध्रुव वगेले। ध्रुव वगेले। वगेले साहब जेम से हाथ निकालते हैं या वैसे ही रखते हैं हमेशा? नहीं मतलब स्टाइल। ठसक में कोई कमी नहीं है ग्वालियर की, ग्वालियर के ठसक में कोई कमी नहीं, वो ऐसा ही अंदाज दिखा। पाजी आ रहा हूँ मैं आपके पास। हाँ जी, हाँ जी। ग्वालियर का पानी बोलता है ये। क्या बोलता है? चंबल का पानी सत्य बोलता है, बिल्कुल एकदम एकदम सत्य बोलता है। तो आज सत्य की ही बात होगी, देखे कहाँ तक हम भी चलते हैं और हम भी कोशिश करेंगे। मैं आया आपके पास, कांग्रेस का रिप्लाई। तूफान तूफान आने वाला है, तूफान रक्षा करेगा उन नारियों की, उन माताओं बहनों की, जो एनसीआरबी के आंकड़े मध्य प्रदेश में बताते हैं कि देश में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश में है। कांग्रेस की सरकार आएगी, वो तूफान सबका रक्षा करेगी। नारी सम्मान में 1500 रुपए दिए जाएंगे कमलनाथ जी की सरकार बनते ही। 500 रुपए सिलेंडर, 500 रुपए सिलेंडर पढ़ो पढ़ाओ स्कीम के अंदर, 1 से 8वीं क्लास तक 500 रुपए, नवी दसवीं में 1000, 11वें 12वें में 1500 रुपए, 11वें 12वें में 100 रुपए यूनिट फ्री, अगली सौ यूनिट में आधा बिल, और सबसे बड़ी योजना वरदान चिकित्सा शिक्षा योजना, जिसमें 25 लाख रुपए का बीमा इस मध्य प्रदेश के प्रत्येक निवासी को मुफ्त में दिया जाएगा, और 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर एक चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति लेके आएगा, और इस चिकित्सा का तूफान जो आएगा वो मध्य प्रदेश के एक एक निवासी को कमलनाथ की सरकार। तो दोनों ने अपने अपने जवाब दे दिया, दूसरा सवाल मैं रखूंगा जरूर। मैं आ गया आप ही के लिए तो आया हूं, पहले एक बार हमको कह लेने दो। बाबू जी क्या नाम है आपका? हाँ राकेश सोनी। राकेश जी आई लव यू, जो जिस मोहब्बत से आप कहते ना एक बार बस, एक बार बस आ जाओ तो लगता है कि मैं प्राण निकाल के आपको दे दे। अरे सेठ जी कहाँ, रुको अभी 2 मिनट, पहले राकेश जी सर। सर जी तूफान आता है? अरे नहीं जय जय नहीं, तूफान दोनों ने एक साथ बैठ के आए हो कि अलग अलग आए हो? पहले ये बताओ दोनों लोग एक साथ बैठ के आए हो कि अलग अलग आए हो? रुको मेरी, मुझे पता चल जाता एक साथ बैठ के आए हैं अलग अलग आए हैं, दोनों एक साथ बैठ के आए हैं। आम आदमी पार्टी को एक मौका, उनको भी पहले प्रीफेस में वो अपनी बात बोल ले, उसके बाद मैं जरूर आपके पास आता हूं। डिबेट ओपन है, सारे लोगों के लिए ओपन है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं, सारे लोगों के लिए ओपन है। पहले आम आदमी पार्टी का आपका मत। सर आजादी के 75 साल तक, 75 साल के बाद भाजपा कांग्रेस मध्य प्रदेश में दो ही दलों को मौका दिया है, और स्थिति यह है कि इनको अगर 70 साल 75 साल मिल गए, 75 साल और दे दे जनता, तब भी ये लोग बदलने वाले नहीं हैं। इस बार जनता ने यह तय किया है कि घर का कचरा हो या दुकान का, मकान का या राजनीति का, सफाई झाड़ू करेगी, गंदगी साफ करेगी। आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को जनता एक मौका देगी, केजरीवाल जी को एक मौका देगी जी। अब मैं आता हूं, मैं अरे 18 साल में बूढ़ा कर दिया मध्य प्रदेश भाजपा ने, और भाजपा को इस बार उखाड़ के फेंकना है, जन जन की यही जी। 18 साल हो गए जी 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 जी, मैं बूढ़ा और जवान तो नहीं जानता, 18 साल जी। मैं आया, मैं आपके पास भी आऊंगा जी जनाब। मैं नाम आपका, अरे देखो, अरे सुनो, बूढ़ा हुआ या नहीं, लेकिन मैं बच्चा जरूर बना दूंगा तुम्हें, चुपचाप जी। हाँ रामेश्वर गुप्ता नाम है। रामेश्वर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका डिबेट में जी, बोलिए। मामा जी ने बहनों को तो 1200 रुपए करीब दे दिया, 1000 रुपए करीब,
ये सारी ग्वालियर की जनता से ये पूछना चाहता हूँ, बहनों को तो दे दिए, जीजा को क्या दिया मामा ने? ये सारे जीजा नाराज हैं इनसे, इनको भाजपा की सरकार को उखाड़ के इस तरह फेंकेंगे कि घर में लड़ाइयां करा रहे हैं, पति पत्नियों में झगड़े हो रहे हैं। अंदर आओ, अंदर आओ। तो घर में क्या हो रहा है? लड़ाइयां हो रही है पति पत्नियों में। क्यों? कह रही है मेरे को काम करूंगी, मुझे तो मामा पैसे दे रहा है। हाँ। पति लोग घर में लड़ रहे हैं पत्नियों से कि भाई हम भी जो कमाई करते हैं हमारी कमाई से गुजारा चल रहा है, वो कल से आपको पैसे देना लगा है। तो मामा ने बहनों को दे दिया लेकिन जीजा को कुछ नहीं दिया। कह रहे मामा ने दो दे दिया लेकिन जीजा नाराज हैं। और फूफा का क्या करें? फूफा जी भी तो नाराज होते हैं। मैं आया जी। हाँ, जो लोग भाजपा को गाड़ने की बात करते हैं घर जाकर उनकी महिलाएं उनकी पत्नियां हमारी भी लाइन में जाकर 1250 लेके आती है लाडली बहना योजना के, और हस्बैंड उनके बोलते हैं कि भाजपा को गाड़ के फेंकना है। ऐसा नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सालिम खान है। सालिम खान साहब कहते हैं कि जो लोग बीजेपी को उखाड़ने की बात कहते हैं उनके घर की पत्नियां भी 1200 रुपए लेके आती और उनके घर में आके पति चाहे कुछ कहें। सालिम भाई, सालिम एक मिनट भाई, अरे रुको भाई, नाराज नहीं होते। सालिम भाई काम क्या करते हैं आप? जे कर लेते हैं, प्राइवेट काम करते हैं। प्राइवेट काम कर लेते हैं, मतलब जिस तरह से आपने कहा कि कर लेते हैं तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या है। जी मैं आया, मैं आऊंगा आपके पास, 100% आऊंगा, जरा वेट करिए। जी बुढ़ापे का सहारा राहुल गांधी हमारा, ओल्ड पेंशन स्कीम। जी जी जनाब, मेरा इन सब नेताओं से एक निवेदन है। सवाल आपका, मैं जानना चाहता हूँ नाम आपका। मैं सैलेन सिंह परियार। सैलेन जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और दीपावली गई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं परिवार को। जी आप बोलिए। मेरा इन तीनों नेताओं से और पार्टियों से एक जानकारी चाहिए, जी आप फ्री में दे रहे हैं तो वो आप अपनी पार्टी के फंड से दे रहे हैं कि हम लोगों के टैक्स के फंड से दे रहे हैं? कि ये हमारा ही पैसा आप हमको दे रहे हैं या पार्टी के फंड से दे रहे हैं? ये परिहार जी सवाल पूछते हैं। बाबू जी, हाँ जी, बहुत सही सवाल सवाल है, बहुत सही। क्या नाम है आपका? मुकेश मोर। मुकेश मोर जी कहते हैं कि परिहार जी ने सवाल बहुत अच्छा पूछा। पहले आराम से मरिया, तो तुम आ जाओ या हम आ जाए, एक ही जना है क्या? पहले कांग्रेस है, बीजेपी, फिर आम आदमी पार्टी। देखिए बहुत अच्छा सवाल है हमारे मित्र का। संसाधन सरकार के कम करके, अपनी भोग विलासता पे कम करके, जनता को जो उपलब्धि उपलब्ध कराई जाए, जनता के सिक्योर, सरकार एक संरक्षक की तरह रहती है, जो जिस तरीके से परिवार का मुखिया होता है अपने सब परिवार के सदस्यों का ख्याल रखता है, उस तरीके से। ऐसा नहीं कि मोदी जी कहते अपने को फकीर हैं पर 16,000 करोड़ के 2 विमानों में घूमते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का पेन लगाते हैं, 8.5 लाख का चश्मा लगाते हैं। तो भैया वो सरकारी पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं भोग विलास में, वो जनता को देने में क्या आपत्ति है? आपको जनता को देना चाहिए। शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश के अंदर 224 करोड़ रुपए अपनी ब्रांडिंग पे अभी रिसेंटली खर्च किए, 4 लाख करोड़ का खर्चा मध्य प्रदेश में पैदा कर दिया। आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इस मध्य प्रदेश में किसी भी जगह कहीं पर कोई बच्चा पैदा होता है वो 50,000 रुपए का कर्जदार पैदा होता है। कैसे कर्जदार पैदा हो गया? बीजेपी कहती है कि ब्रांडिंग पे बहुत पैसा खर्च करती है बीजेपी, कांग्रेस का। हाँ जी, राजीव गांधी खत्म हुआ था, तूफान आया। अरे रुको जी जनाब, क्या नाम है साहब? मेरा नाम है अजीत सिंह राजावत। हाँ जी, 16,000 करोड़ के विमान में मोदी जी नहीं घूम रहे, वो भारत के प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, और इतने देश का प्रधानमंत्री ऑटो टेम्पू में नहीं चलेगा? देश का प्रधानमंत्री क्या ऑटो पे चलेगा? ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। वो देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और हमारे पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया उन्होंने पूरी दुनिया में। आज अगर यूक्रेन से हमारे स्टूडेंट वापस आ रहे हैं, सुरक्षित आ रहे हैं, तो वो मोदी जी की विदेश नीति की वजह से आ रहे हैं। हम मोदी जी के साथ हैं, हम मोदी जी। जी जी जी, रोज नए 4 कपड़े बदलते हैं, बेटी बचाओ को बेटी पटाओ बोलते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा कि ग्वालियर में हूँ और यहाँ पे जो आदमी बोलता है बड़े सुर में और ताल में और लय में बोलता है, पत्रकार भी मौजूद है यहाँ पे, सबका बहुत बहुत सम्मान करता हूं मैं, ग्वालियर के जितने, इनके लिए प्लीज पत्रकारों के लिए ताली बजाइए।
एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी आप बात बोलेंगे वो उसकी एक गरिमा जरूर होनी चाहिए। गरिमा के साथ बीजेपी विल रिप्लाई। ये जो मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, भारतवर्ष में कांग्रेस की जब सरकार थी तो इनके पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि एक रुपये दिल्ली से चलता है और 15 पैसे आम आदमी तक पहुंचते हैं और 85 पैसे भ्रष्टाचार में चले जाते हैं। तो कौन भ्रष्टाचार उस समय कर रहा था, पहला प्रश्न। दूसरा, ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने जब से इनकी सरकारें बनी हैं आकाश पाताल पृथ्वी तीनों पर 850 घोटाले किए हैं और पिछली मनमोहन जी की सरकार में 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, घोटाले पर घोटाला, उसके ऊपर घोटाला। ये ऐसी भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार को यहाँ की जनता ने उखाड़ा है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है। विश्व के अंदर भारत की अगर धाक है तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका। जवाब आया कि मोदी जी की साख है। जी जनाब, शिवराज सिंह की साख कहाँ, जो करोड़ों के घोटाले मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। मैं आरटीआई एक्टिविस्ट गोपाल कृष्ण, आरटीआई एक्टिविस्ट है। स्वागत करता हूँ पहले तो मैं आपका, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। 1000 करोड़ का एक्साइज का घोटाला मैंने खोला है। वर्तमान में ग्वालियर कमिश्नर और एक्साइज कमिश्नर मध्य प्रदेश 500 करोड़ का जबलपुर में आदिवासियों की जमीन बेच खा गया, उसका घोटाला जिसमें FIR 55/2023 है। हाईकोर्ट जबलपुर ने 25,000 की कोस्ट लगाई एक्साइज कमिश्नर के ऊपर, उसके बारे में क्या बोलोगे। व्यापम घोटाले में 55 आदमी मारे गए। आत्महत्या करने ग्वालियर से झांसी जाएगा कोई आदमी, उसको आत्महत्या करने को यही करेगा ना। इनके तत्कालीन विधायक भिंड से संजीव सिंह कुशवा अपने कॉलेज में पटवारियों का फर्जीवाड़ा करवाया, उसका क्या जवाब। सवालों के सवाल है जनता पूछना चाहती। जी, एक पीछे से नवयुवक बहुत देर से खड़ा हुआ, क्या नाम है बेटा? हाँ जी, युवराज सिंह यादव। युवराज जी कहाँ का, क्या काम करते हैं? रुको, क्या काम करते हैं? स्टूडेंट है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? MBA की। बहुत बहुत स्वागत है बेटा। भैया जी कहीं में क्या बोलना चाहते हैं? भ्रष्टाचार का आरोप जो ये लगा रहे हैं, मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहूंगा, इन्होंने एक मौका मांगा था दिल्ली में, एक बार दो बार मौका मिला, पर इनके नेता मंत्री तो सारे पकड़े जा रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात इसलिए कर ही नहीं सकते। और रही बात इनकी भाजपा वालों की, व्यापम घोटाला और पटवारी घोटाला तो MP में ही हुआ है, ये किस पे क्या आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, ये सवाल का जवाब देंगे। अरे भाई, बार बार जब मैं इधर आता हूँ तो आप हाथ उठा लेते, मैं आऊंगा आपके पास। जी सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू सवेरे। बबलू सिवरे। 3 बार पूछ लेते जिससे कि नाम रजिस्टर्ड हो जाए। आगे आ जाओ थोड़ा सा। जी चचा आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? ग्वालियर से। क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। चाय पानी तो किसी ने पूछा नहीं होगा शो में, पूछा किसी ने नहीं? मैं सर एक ही बात बोलना चाहता हूँ बस। मजदूर आदमी का दिमाग सिर्फ एक ही जगह होता है, सवाल पे। बोला बस एक ही सवाल बोलना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं। चाय पानी तो मैं खुद ही अपने मेहनत से पी लूंगा। जी अगर आज मोदी जी नहीं होते, ये जनता यहाँ पे नहीं होती, जनता ही खत्म हो जाती पूरी। धन्ना जैसे मोदी। अंदर आओ। मैं कसा सुना मेरी बात। शिवहरे जी अंदर आ जाओ, नहीं तो शो खत्म आज। अंदर आओ। हाय हाय, गजब आदमी है, मजदूर है। मैं आरोप बाजी आ रहा हूँ, आराम से। अरे आओ भाई, मजदूरी करते हैं क्या? मजदूरी में क्या काम करते हैं? बेलदारी करता हूँ सर। बेलदारी का काम करते हैं। जब आ रहे देखो, मैं ये शो ऐसे ही सवालों के लिए करता हूँ। ऐसे सवालों से मतलब ये है कि कोई मजदूर, ऐसा नहीं कि मजदूर से ही सवाल पूछा जाता है, कोई प्रोफेसर भी है, इकोनॉमिस्ट है, फिलोसोफर है, कवि है। कवि जी आज आए हैं? कहाँ गए कवि? अरे आए हैं, अरे अंदर आइए, आइए। अमित जी का स्वागत करिए। आइए अंदर। अमित जी, कुछ है आपके पास मसाला? देश में इतना मसाला तो मेरे पास तो हो गई साहब। क्या है सुनाइए। महंगाई के मौसम में हाल मत पूछिए। मजदूर भैया जाना ना कहीं। शिवहरे जी,
बिल्कुल यही रहना मेरी आंख के सामने, बिल्कुल आंखों में आंखें डाले रहना, वरना शो खत्म तुरंत जी। महंगाई के मौसम में हाल मत पूछिए, हाँ। दिखाए लोगों ने कमाल मत पूछिए, और घने बाल करने का तेल लाए थे हम, उड़ा दिए सर के बाल मत पूछिए। सही सलामत है, रहने दीजिए। तो मोदी जी का क्या बता रहे थे? मैं सर मोदी जी के लिए क्या बताऊं, धन्य ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जो 50 साल में कांग्रेस ने सरकार चलाई, ऐसा प्रधानमंत्री अभी तक ना तो हुआ और ना होगा कभी। ऐसी स्थिति में कोरोना में लोगों को नाज मिला, फ्री नाज मिला, आज भी नाज फ्री मिल रहा है। हम जैसे गरीबी लोगों को और भी जनता के लिए आज भी नाज फ्री मिल रहा है, सारी व्यवस्था फ्री हो रही है। क्या मोदी जी क्या अपनी मूड बदल के तू ले जाएगा? वो देश के लिए कर रहा है जो भी कर रहा है, कि मेरा देश उन्नति पे बढ़े, आगे बढ़े। आज जाइए पाकिस्तान में, जाइए, एक सदस्य वहां पे खड़ा था, ऐसे धन्य ऐसे मोदी जी के वहां से वापस है अपने ग्वालियर के लिए। देखो भाई ये नहीं, ये नहीं, हाँ इनसे पूछो पाकिस्तान कब गए थे, हाँ इनसे पूछो पाकिस्तान कब गए थे। अरे पाकिस्तान, अरे ठीक है, अरे रुको भाई आराम से, आपको कोई सवाल का जवाब नहीं देना है, कांग्रेस वाले बोलेंगे अब जी। देखिए मोदी को अपनी अकर्मण्यता पे, अप्रशासनिक क्षमता पे कितना विश्वास है, इस देश का प्रधानमंत्री आज घोषणा जाएंगे नहीं, आप गए नहीं, शो खत्म। हाँ, इस देश का प्रधानमंत्री आज घोषणा कर रहा है कि अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त राशन देता रहूंगा। मतलब उसको अपनी प्रशासनिक क्षमताओं पे, अक्षमता कहना चाहिए, अक्षमताओं पे इतना भरोसा है कि वो कुछ नहीं करेगा। 80 करोड़ से 81 करोड़ होंगे, पर 75 करोड़ नहीं कर पाएगा वो। ये देश में चल रहा है। और हमारे जो शिवरे जी बोले अभी, 70 साल में मेरे दोस्त पेट्रोल 70 रुपए पहुंचा, गैस सिलेंडर 400 रुपए पहुंचा, 40 रुपए का डीजल पहुंचा, और आज 9 साल 9.5 साल में 125 रुपए पेट्रोल पर, 100 रुपए डीजल पर, 1200 रुपए का सिलेंडर, ये स्थिति कर दी। राइट, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड जी। मोदी सरकार में जितने विकास कार्य हुए हैं, आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 24 मेडिकल कॉलेज हैं, और गरीब और प्रतिभावान जो छात्र हैं उन छात्रों की फीस मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार भर्ती है। यदि 75% से ऊपर आता है उस बच्चे का मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है, वो कहीं भी पढ़े। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फीस भरती है। रही बात मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 14,000 हुआ करती थी, आज प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,40,000। मोदी जी कहते हैं कि 2014 में जब मेरी सरकार, कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ सवाल आपके लिए, क्योंकि पहला सवाल मैंने बीजेपी से किया था, अब बात मोदी जी पे आ गई है। शिव हरे जी जो मजदूर हैं, बेलदारी का काम करते हैं, उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी ना होते तो हम लोग यहाँ ना होते आज। नहीं होते, मेरी बात सुनो। हाँ, आज कई सालों बीत गई, धन्य मोदी जी के और योगी जी के, राम मंदिर बनवाया उन्होंने। आऊंगा राम मंदिर पर भी आऊंगा। मोदी जी कह, देखो शिव हरे जी, मोदी जी कहते हैं कि जब 2014 में मेरी सरकार बनी, भदौरिया जी, तब तो मुझे सिर्फ 10 गालियां मिलती थी, लेकिन अब आप लोग 50 गालियां गिन गिन के देते हैं। लेकिन मैं इन सारी गालियों को इसलिए झेलता हूं क्योंकि हम तमाम देशवासियों के सपनों को पूरा कर सकें जी। बाबूजी अगर आपको पहले बोलना है, भदौरिया जी से पक्का पक्का बोलना है, भदौरिया जी से पूछ लेते हैं हम, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। पहले आप क्या नाम है आपका? रामाज्ञा बघेल, रामू पान वाला। रामू पान वाला है, हाथ दिखाओ। हाँ पान वाले जी, बोलिए। इस मार्केट की क्या हालत थी जरा इनसे पूछना, कांग्रेसियों से। वाचनालय की क्या हालत थी पूछियो कांग्रेसियों से, प्रेस की क्या हालत थी पूछना कांग्रेसियों से, जरा इनसे इनको दिखाओ, आईने दिखाओ, आईना। मैं सिर्फ इनको आईने दिखाना। ग्वालियर में रामू पान वाला आते हैं, कहते हैं कि आईना लाए हो? अरे रामू जी, तो दो आईने तो लेके हम भी चलते, लेकिन चुनाव के समय में जो सबसे अच्छा आईना दिखाता है वो होती है जनता। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड एंड देन। देखिए मैं
अपने मित्र को बता देना चाहूंगा रामू जी को। नहीं, मोदी जी ने जो कहा उससे सवाल वो था, मोदी जी ने सपने सिर्फ अंबानी अडानी के पूरे किए, ये पूरे देश को मालूम है। आय कितनी बढ़ गई 2013 से पहले, अडानी कहाँ स्टेबल करते थे, कहाँ पे थे, आज विश्व के दूसरे नंबर के व्यापारी बन गए, पैसे वाले बन गए। कहाँ से इतना पैसा आ रहा है अडानी के पास, छत्तीसगढ़ राजस्थान की अगर आप बात करेंगे ना, आप अगर व्यवसाय कर रहे हैं व्यवसाय करिए, परंतु सरकार को गिरवी मत रखिए। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जवाब दिया। और मैं कवि जी, मैं आ रहा हूँ, 20 हुए हैं, एक छोटा सा कांग्रेस के बाद बीजेपी, और फिर मैं आपका तैयार रखिए जी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का महादेव ऐप घोटाला हमने देखा होगा, सटोरियों से 580 करोड़ उनपे बरामद होते हैं, ये लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। मोदी सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। मध्य प्रदेश में रामू पान वाले ने बताया कि बाड़े को देखिए, आज इनके मंत्री उमंग सिंगार मध्य प्रदेश में थे, उन्होंने कहा 15 महीने की जो कांग्रेस सरकार थी कि कांग्रेस में वसूली होकर ऊपर तक जाती है। चंबल के इनके मंत्री थे गोविंद सिंह, वो कहते हैं कि हमारी कांग्रेस सरकार में रेत खनन होके वो पैसा दिल्ली तक जाता है। इनके मंत्री इनकी सरकार पर आरोप लगाते हैं, तो ये क्या बोलेंगे, इनके पास कांग्रेस के पास केवल जनता के लिए है तो भूख देना है, भय देना है और भ्रष्टाचार। कवि जी आपको क्या देना है? मेरे को साहब कुछ नहीं देना, आज स्थिति यह है कि नेता माला माल हमारी बस्ती में, नेता माला माल हमारी बस्ती में, और जनता है कंगाल हमारी बस्ती में। वक्त छोड़ से ब्रेक के बाद आया। शिवानी बोलिए मन का आपा को। हेलो मोटो, मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। लेकिन सबसे पहले देखिए हमास का वॉर कैलेंडर, जो यहाँ कमांड सेंटर की दीवार पर चस्पा था और जिसमें तारीख की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर से, वही दिन जब हमास ने इसराइल पर हमला बोला था और ऊपर लिखा है अल अक्सा फ्लड की लड़ाई। इस कैलेंडर को ध्यान से देखिए, 7 अक्टूबर से 30 नवंबर तक का ये कैलेंडर यहाँ हमास के कमांड सेंटर में मिला। 7 अक्टूबर से 3 नवंबर तक इस कैलेंडर में तारीखों को काटा गया, क्रॉस का निशान बनाया गया, उसके बाद की तारीखों पर कोई निशान नहीं है। तारीख के साथ कैलेंडर में दिन भी लिखा गया। कहने का मतलब हमास को पता था कि अल अक्सा फ्लड की लड़ाई करीब 2 महीने तक चल सकती है। इस कैलेंडर से ये भी पता चलता है कि 3 नवंबर के बाद यहाँ से आतंकियों ने अपना ठिकाना बदल लिया। इसकी कई वजहें हो सकती हैं। अस्पताल में बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई थी, IDF ने यहाँ इंटरनेट की सेवाएं ठप कर दी थी और इसराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका था और इसराइल की सेना तेजी से गाजा शहर में दाखिल हो रही थी, लिहाजा हमास के इस कमांड सेंटर पर तैनात आतंकियों को डर था कि वो कभी भी इसराइल के निशाने पर आ सकते हैं, लिहाजा उन्होंने अपने कमांड सेंटर को बदल लिया। There is a list. This list in Arabic, this list says we are in an operation. The operation against Israel. यहाँ हमास के तमाम हथियार भी मिले हैं। हथियारों का ये जखीरा छोड़कर जिस तरह से हमास के आतंकी यहाँ से किसी और जगह चले गए, वो बताता है कि हमास आतंकी यहाँ से आनन फानन में फरार हुए और हथियारों को यहीं छोड़ गए।
देखिए कि इस कमांड सेंटर में जो सबूत मिले हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पर हमास के आतंकियों ने बंधकों को रखा था। अल रतीसी अस्पताल के नीचे अंडरग्राउंड टनल में कुर्सी मिली जिस पर बंधक को बांधा गया था। इसके नीचे ही एक तार भी मिला जिससे बंधक के पैरों को बांधा गया होगा। वहीं दूध की एक बोतल भी मिली जिससे लगता है कि यहाँ पर बच्चों को भी बंधक बनाकर रखा गया था। बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले नैपी का पैकेट भी यहाँ मिला। These are explosives. These are vests, vest with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces. Among hospitals, among patients, we have hand grenades, Kalashnikovs, and then we have the RPGs. People shooting RPGs from hospitals. This is Hamas, firing RPGs from hospitals. The world has to understand who is Israel fighting against. अब तक हमास गाजा में इंसानियत की बातें करके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में जुटा हुआ था। इसराइल अब इसका जवाब दे रहा है और उसके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की पोल खोल रहा है। इसराइल ये बताना चाहता है कि कैसे हमास गाजा के उन अस्पतालों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है जिनमें लोगों का इलाज हो रहा था, जहाँ पर बच्चे भी मौजूद थे, और इसी जगह को हमास ने अपना सेफ हाउस बना रखा था, अपना कमांड सेंटर बनाकर इसराइल पर हमलों को अंजाम दे रहा था और यहीं पर बंधकों को छिपा भी रखा था। यानी जंग के शुरुआत में इसराइल जहां तक पहुंचना चाहता था वहां तक पहुंचने में उसे कामयाबी मिल गई है। बतौर इसराइल के मुताबिक उत्तरी गाजा को पूरा कंट्रोल करने के अपने आखिरी चरण में IDF की सेना पहुंच गई है, क्योंकि हमास के कमांड सेंटर तक IDF पहुंच गई है और जल्द ही आकाओं तक भी पहुँच जाएगी। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला करके 1400 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था और उन बंधकों को अपने सुरंगों की भूलभुलैया में लेकर चली गई थी, जिसे इसराइल की सेना ने भेदने का दावा किया। इसके साथ ही इसराइल का ये भी आरोप है कि हमास के लड़ाके उत्तरी गाजा के सभी अस्पतालों को कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से वो लगातार इसराइली सेना को निशाना बनाने की फिराक में है। और दावा ये भी है कि हमास के इस चाल की वजह से इसराइल की सेना उत्तरी गाजा के अस्पतालों को निशाना बना रही है। अल कुद्स अस्पताल पर जो आरोप इसराइल की फौज ने लगाए, वैसे आरोप शिफा अस्पताल पर पहले से लग रहे हैं और ठीक वैसे ही आरोप अल रतीसी पे भी लगे हैं। उत्तरी गाजा के अल रतीसी अस्पताल में हथियारों के साथ हमास के वॉर कैलेंडर और बंधकों को रखे जाने के सबूत के साथ ही 7 अक्टूबर को इसराइल पर किए गए हमले में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी मिली, और तो और हमास के आतंकियों का ड्यूटी चार्ट भी मिला। और इसराइल को यकीन है कि अल शिफा अस्पताल में इससे बड़ा कमांड सेंटर है जहां इसराइल और हमास की जंग जारी है और जहां 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड यहां सनवार के भी छिपे होने की आशंका है। हमास से जंग के बीच हिजबुल्ला के हमलों की वजह से लेबनान से जुड़े उत्तरी इसराइल की सीमा पर भी तनाव बढ़ने लगा है। इस बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम उस इसराइल और लेबनान बॉर्डर के पास बने बंकरों तक पहुंच गई। अगर हिजबुल्ला के हमले की वजह से लेबनान बॉर्डर पर जंग शुरू होती है तो इसराइल की सेना इन्हीं बंकरों का इस्तेमाल करेगी। तो इसराइल लेबनान बॉर्डर पे इसी तरह के बंकर बनाए गए हैं। ये बंकर बिल्कुल बॉर्डर का बंकर है हिजबुल्ला के हमले से बचने के लिए। आपको दिखाते हैं हम बंकर के नीचे चल चल के, क्योंकि खड़ा होने की मनाही है। इन बंकरों का इस्तेमाल आर्टिलरी के लिए किया जाता है, IDF के जवान करते हैं, और इस वक्त हम लोग जहां मौजूद हैं वो हिजबुल्ला के बिल्कुल निशाने पे हैं। न सिर्फ उनके रेंज में है, मिसाइल के रेंज में है, रॉकेट के रेंज में है, और जिस शहर के नज़दीक हैं हम लोग, जहां बॉर्डर एरिया में हैं, उस शहर पे एक के बाद एक कई मिसाइल के हमले पिछले कुछ दिनों में हुए हैं। देखिए, एक पुराना इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलेशन है इसी तरह का। अभी क्योंकि यहाँ आर्मी दूसरे लोकेशन पे तैनात है यहीं बगल में, वो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इसी तरह से तैयारी की गई है। इसी तरह के बंकर यहाँ बने हुए हैं ताकि सेना के जवानों के काम आएंगे। ये देखिए, यहाँ यहाँ छुप सकते हैं, यहाँ से फायरिंग कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था की गई है। हर तरह से बचने के लिए बंकर बनाए गए हैं। हम आपको न्यूज 18 इंडिया पे बिना खड़े हुए, बहुत सेंसिटिव इलाका है, मनाही की गई है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम और हमारे कैमरा पर्सन, बिल्कुल मना किया गया है कि यहाँ खड़ा ना हो, क्योंकि आपको बता दें, यहाँ से लोकेशन दिखाते हैं दूसरी तरफ का,
दूसरी तरफ का लोकेशन दिखाने की कोशिश करते क्यों मना किया गया है हमें, वो देखिए पीछे में जो पहाड़ आपको दिख रहा है उसके पीछे में हिजबुल्ला है, वहां से रॉकेट फायरिंग की जाती है और इसीलिए हमें मना किया गया कि आप खड़े ना हो। कैमरा पर्सन करम आपको थोड़ा सा ऊपर उठ के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको वो बंकर दिखा रहे हैं जहां से। तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और देखिए इंदौर की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर समर्थकों का कार्यकर्ताओं का ये हुजूम आप देख सकते हैं। रोड शो में किस तरह से लोगों की भारी भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही थी और उनके यहां पर पहुंचते ही चारों तरफ मोदीमय पूरा ये नजारा सामने आया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा काफिला देखिए किस तरह से ये लंबा रोड शो, और इस रोड शो की तैयारियां पहले से ही हो चुकी थी। हालांकि मध्य प्रदेश में कल चुनाव प्रचार जो है वो खत्म होगा, उससे पहले बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारकों की वो लंबी फहरिस्त भी हमने चुनावी मैदान में देखी और सबसे अमूल्य चेहरा जो बीजेपी के लिए हमेशा से रहा है, फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर खासतौर से विधानसभा चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन पर फूलों की बारिश इस वक्त हो रही है। मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, बीजेपी जानती है कि बहुत सी चुनौतियां भी हैं, बहुत से ऐसे पड़ाव भी हैं जहां पर उम्मीद वो यही कर रही है और जीत का दावा भी लगातार करती आई है। फिलहाल अभिनंदन करते हुए, अभिनंदन स्वीकारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कि हर बार वो नजर आते हैं मुस्कुराते हुए अपने समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का, स्थानीय निवासियों का अभिनंदन और अभिवादन करते स्वीकारते हुए। और जानकारी आप तक पहुंचा दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार स्टार प्रचारकों की रैलियों का, उनके संबोधनों का, भाषण का ये दौर जारी है, लेकिन जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होता है, उनकी रैली होती है, जनसभा होती है, तो जनता के अंदर का उत्साह देखते ही बनता है और वही उत्साह इस वक्त मध्य प्रदेश के इंदौर से यहाँ पर सामने आ रहा है, जहाँ पर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कल खत्म हो जाएगा और उससे पहले बीजेपी ने कमर कस ली थी। बीजेपी जानती है कि एक एक सीट पर किस तरह से जीत हासिल करनी है, बड़े अंतर के साथ हासिल करनी है, ऐसे में जनता का पूर्ण विश्वास बीजेपी चाहती है और इसी विश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरा काफिला इस वक्त आपके सामने मौजूद भी है। मध्य प्रदेश जो कि एक सबसे खास राज्य बीजेपी के लिए रहा भी है, लंबे वक्त तक बीजेपी ने शासन भी किया, हालांकि उलटफेर जरूर नजर आया लेकिन उसके बाद फिर से बीजेपी सत्ता में आई। और फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं बड़ा गणपति से, ये पूरी जो तस्वीर है वो यहाँ से शुरू हुई है, जबकि इसका जो समापन होगा वो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के राजवाड़ा में होगा, क्योंकि क्रमांक के हिसाब से ही ये पूरा इलाका यहाँ पर रहता है। और आप देखिए जो ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, ये उत्साह है, ये दरअसल सिर्फ भीड़ नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का वो उत्साह है जो दिखाई दे रहा है। दादी ने अपनी तैयारी कर रखी है, इसमें ये देखिए ये एक है और आगे दिखाते हैं, आगे चल के दिखाते हैं। इसी तरह से बीच में आपको जालियां दिखेंगी, बहुत सेंसिटिव इलाका बताया गया है और पहले से ये तैयार था, लेकिन अब यहाँ बगल में दूसरी तैयारी भी की गई है। ये देखिए किस तरह से ये बंकर कहाँ जाता है, हम आपको ले चलते हैं इस बंकर में। न्यूज 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है आर्मी के बंकर से। ये देखिए करम सिंह भी आ रहे हैं अंदर, आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आर्मी का बंकर है, IDF का बंकर है और किस तरह की तैयारी की गई है। इधर देखिए, जबकि अभी फुल फ्लेजेड वॉर नहीं है, लेकिन इन्हीं बंकरों में छुपकर हिजबुल्ला के आतंकियों से लोहा लेंगे IDF के जवान अगर इन्फिल्ट्रेट कोई करता है आतंकी हिजबुल्ला की तरफ से। और इस बीच इजराइल की सेना ने दावा किया कि हमास एक लंबी जंग लड़ने की तैयारी में है। इजराइल की सेना ने हमास की कमांड सेंटर पहुंचने का दावा किया। इसी कमांड सेंटर में इजराइल के बंधकों को रखा गया था, साथ ही वहां से हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। जंग की शुरुआत से ही इजराइल ये आरोप लगा रहा है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों और स्कूलों को अपना ठिकाना बनाकर बैठे हैं।
क्योंकि उन्हें इस बात पर भरोसा है कि इजराइल की सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और इस दबाव की वजह से वो अस्पतालों और स्कूलों पर हमले नहीं करेगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हमास के लड़ाकों के सफाए तक ये जंग खत्म नहीं करेंगे और जैसे जैसे उनकी सेना उत्तरी गाजा के अलग अलग शहरों में घुसती जा रही है ये युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। हमास के कमांड सेंटर में इजराइल की सेना कमांड सेंटर में मिला हमास का वॉर कैलेंडर। इजराइल के खिलाफ फेल हुआ हमास का प्लान। ये देखिए, ये है हमास का वो कमांड सेंटर जिसे उसने उत्तरी गाजा के एक बड़े अस्पताल के नीचे बना रखा था। यहाँ जब इजराइल की सेना पहुंची तो उन्हें तमाम सबूत मिले। एक के बाद एक ऐसे सबूत सामने आए जिससे पता चलता है कि ये ना सिर्फ हमास का कमांड सेंटर था बल्कि यहाँ हथियारों का गोदाम भी था और यहाँ इजराइल से कब्जे में लिए गए बंधकों को भी रखा गया था। हम एक एक करके आपको हर एक सबूत को दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमास का वॉर कैलेंडर जो यहाँ कमांड सेंटर की दीवार पर चस्पा था और जिसमें तारीख की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर से, वही दिन जब हमास ने इसराइल पर हमला बोला था और ऊपर लिखा है अल अक्सा फ्लड की लड़ाई। इस कैलेंडर को ध्यान से देखिए, 7 अक्टूबर से 30 नवंबर तक का ये कैलेंडर यहाँ हमास के कमांड सेंटर में मिला। 7 अक्टूबर से 3 नवंबर तक इस कैलेंडर में तारीखों को काटा गया, क्रॉस का निशान बनाया गया, उसके बाद की तारीखों पर कोई निशान नहीं है। तारीख के साथ कैलेंडर में दिन भी लिखा गया। कहने का मतलब हमास को पता था कि अल अक्सा फ्लड की लड़ाई करीब 2 महीने तक चल सकती है। इस कैलेंडर से ये भी पता चलता है कि 3 नवंबर के बाद यहाँ से आतंकियों ने अपना ठिकाना बदल लिया। इसकी कई वजहें हो सकती हैं। अस्पताल में बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई थी, IDF ने यहाँ इंटरनेट की सेवाएं ठप कर दी थी और इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका था और इजराइल की सेना तेजी से गाजा शहर में दाखिल हो रही थी। लिहाजा हमास के इस कमांड सेंटर पर तैनात आतंकियों को डर था कि वो कभी भी इजराइल के निशाने पर आ सकते हैं, लिहाजा उन्होंने अपने कमांड सेंटर को बदल लिया। There is a list. This list, in Arabic, this list says we are in an operation, the operation against Israel. यहाँ हमास के तमाम हथियार भी मिले हैं। हथियारों का ये जखीरा छोड़कर जिस तरह से हमास के आतंकी यहाँ से किसी और जगह चले गए वो बताता है कि हमास आतंकी यहाँ से आनन फानन में फरार हुए और हथियारों को यहीं छोड़ गए। देखिए कि इस कमांड सेंटर में जो सबूत मिले हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ पर हमास के आतंकियों ने बंधकों को रखा था। अल रतीसी अस्पताल के नीचे अंडरग्राउंड टनल में कुर्सी मिली जिस पर बंधक को बांधा। Bye.
नेता भी थैया अजी नेता जे थैया भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच ग्वालियर में आज मौजूद और इतने सुंदर ये कहना चाहिए ये जो प्रांगण है इस तरह का इतना खूबसूरत शायद मैंने कहीं देखा हो आपको लाख लाख बधाई है साहब बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच और उससे भी ज्यादा जो सबसे अच्छी चीज है मैं तमाम जगह घूमता हूं लेकिन इतनी खूबसूरत और इतनी बढ़िया जनता भी कहीं नहीं देखी मैंने बहुत अच्छा ज्यादा नजर ना लगे मुझे मालूम है ये ग्वालियर है और ग्वालियर वो चंबल का इलाका है ये भी मुझे मालूम है नजर ना लगे बस बहुत बहुत शुक्रिया वरना बड़े बड़े धुरंधर यहाँ पानी मांग गए लेकिन पता नहीं क्या है आपकी मोहब्बत और आपका खुलूस कि लेकिन बार बार मैं यहां आ जाता हूं किसी ने मेरी आंखों का चश्मा साफ कर दिया ये जो ग्वालियर है ये तमाम लोगों के चश्मे साफ कर देता है मैंने पूछा हुजूर क्या नाम है आपका ओम प्रकाश कामरा ओम प्रकाश जी का कहना है ये चश्मा बार बार ऐसे आ जाता है वो होता क्या है बार बार हाथ लगता है वो ढीला हो जाता है तो इन्होंने इसको ठीक कर दिया और बोले ये चश्मा जो है अब आपको साफ भी कर देता हूं कि आपको साफ साफ नजर आएगा और अगर चश्मे से साफ साफ नजर आने लगे तो फिर कवियों का भी वही काम है फिर साफ साफ बताना बहुत बहुत शुक्रिया एक नौजवान मेरे पास आया कहने लगा कि आप मुसलमानों के लिए कुछ बोलिए मुसलमानों के लिए नहीं बोलते आप मैंने कभी ऐसा किया भी नहीं कि मैं हिंदुओं के लिए बोलूं मुसलमानों के लिए फिर बोलूं फिर क्रिश्चियन के लिए बोलूं फिर सिखों के लिए बोलूं ऐसा नहीं बोलता मैं अक्सर ये बात कहता हूं मैं जिस सरजमी से हूं जहां से आता हूं मैं जिस जगह से आता हूं जिस सरजमी से आता हूं उसमें तो सारे रंग मिले हुए मैं अलग अलग कैसे करूं मैं इनका रंग इनके रंग को कैसे अलग तकसीम कर दूं है तो एक ही कैसे तकसीम कैसे बांट दूं ये बात हमसे तो नहीं होगा ये हाँ जी हाँ जी रंग एक नहीं है हिंदुस्तान सतरंगी में विदा हुआ है क्या नाम है आपका संजय जी क्या काम करते हैं प्लम्बरिंग बड़े बड़ों को पानी पिला दें ये अंदर आ जाओ मेरी देखो मेरी बात मान जाओ अंदर आ जाओ बस तुरंत अंदर आ जाओ बोले ये हिंदुस्तान का रंग है जो सतरंगी है तुम अलग अलग करके देखना चाहो तो देखो लेकिन मुझसे नहीं होगा क्या नाम है बाबूजी सतीश राजौरिया जी और सर राष्ट्रगान यहाँ बाड़े महाराज बाड़े पे होता है पिछले 5.5 साल से रेगुलर करा रहा हूँ मैं ये एक रिकॉर्ड है हमारा बहुत बहुत शुक्रिया साहब थैंक यू सो मच प्लम्बर साहब सबको पानी पिलाते हैं बिल्कुल सर आपने पानी पिला दिया जिसने भी वो सवाल किया था मुझसे और हाथ बुला के बोला मुझसे कि आप मुसलमानों के लिए कुछ बोलिए मैंने कहा मैं नहीं बोल पाऊंगा हुजूर अलग अलग नहीं बोल पाऊंगा पहले मुसलमान फिर हिंदू और उसके बाद सिख फिर क्रिश्चियन नहीं रंग ही एक है और तुम तकसीम करके देखो तो देख पाओ तो देखो जी सतरंग में बजाए अपना हिंदुस्तान हर रंग में बजाए हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई पूरा मेरा मान क्या बात है प्लम्बर है और पूरा ज्ञान दे गए जी खड़ी हुई है क्या नाम है आपका अनन्या पाठक अनन्या जी क्या कर रही हैं मैं लॉ कर रही हूँ लॉ कर रही हैं कोई सवाल है आपके दिमाग में मैं कहना चाहती हूँ कि शिक्षा को लेकर इतने घोटाले मध्य प्रदेश में क्यों हो रहे हैं शिक्षा को लेकर इतने घोटाले मध्य प्रदेश में क्यों हो रहे हैं बताइए बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे जी बिटिया अनन्या अभी शायद 17-18 साल की है जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस बिटिया को पता नहीं है कि कांग्रेस के समय मैंने 850 घोटाले बताए अभी तक उनकी पूरी सूची भी दे दूंगा कांग्रेस घोटाले पे घोटाले करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के समय एक भी घोटाला नहीं हुआ है एक भी घोटाला सिद्ध नहीं हुआ है ये कांग्रेस जो नैरेटिव बनाती है बाबूजी नमस्ते मैं बता दूं ग्वालियर में छह सीटें हैं 4 कांग्रेस के पास पिछले 2 बीजेपी के पास और अगर हम ग्वालियर और चंबल की कुल सीटों की बात करें तो लगभग 32 सीटें हैं और 27 सीटें पिछली बार कांग्रेस के पास थी लेकिन यह भी एक कहा जाता है ग्वालियर बड़ा गजब का है सरकार ही चुरा लेता है
मुझे बताया कि ये सवाल ना हो तो फिर बेकार है। ये कैसे होता कि आप सरकार ही चुरा लेते हैं, कहते हैं आप इल्जाम लगाते हैं इन पर, और आप संभाल ना पाए घर, तो इसमें क्या दोष है आपका इनका? देखिए, जब 35-35 करोड़ रुपए में विधायक खरीदे जाएंगे, जनता का जो वोट है कितने का, जनता का जो कितने का, कितने 35-35 करोड़ में, तो भैया एक बात सुनो कान खोल के, क्या काम करते हैं आप, क्या काम करते हैं? अरे बताओ। मजदूरी करते हैं। हाँ भाई, बिकाऊ माल ना हो कहीं भी, ऐसा चुनो इस बार, टकसाली चुनो। मैं आया इधर से, कोई पूछना चाह रहा था। ना, पाजी बोलो जल्दी। हाँ जी पाजी बोलो। सर समस्या बीजेपी। क्या नाम है? त्रिलोचन सिंह। त्रिलोचन जी, क्या काम करते हैं? खाली बारदाने की फैक्ट्री है। अच्छा जी, बोलिए पाजी। ये मैडम ने एक सवाल पूछा बीजेपी के नेताओं से, उनने उतार दिया कांग्रेस के ऊपर कि वो ये घोटाले करते थे। पूछा भाई आपसे, उनके घोटाले क्यों गिना रहे हो आप ये बताओ ना, अपना काम बताओ ना, आप उनके घोटाले गिना रहे हो। समस्या आया कि भैया अपना घर तो देख लो। आपने गुप्ता जी एक बार पूछ लिया सवाल, अगले 5 साल इंतजार करो, इतनी जल्दी नंबर नहीं आएगा। हाँ जी। हाँ सर जी, मैं ML माहौर। जी, कहाँ के रहने वाले? मैं यही लक्का ग्वालियर का रहने, ग्वालियर का। क्या काम करते हैं? मैं मैन्युफैक्चरर का नाम रेडीमेड। अरे भाई भाई सुन ले दो यार, भाई देखो ऐसा हल्ला मचाओगे तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, मैं ये बोलना चाहूंगा अपनी सरकार से कि ये लोग सारी चीजें फ्री दे रहे हैं सबको, किताबें फ्री हैं, और कोई 1500 रुपए फ्री दे रहा है, कोई 1200 रुपए। तो बटोरो झोला लाओ, बटोर बटोर ले जाओ। सुनो सरी, तो ये सारी जनता को, आम आदमी को बटोरने पे ही लगा दिया है, और करोड़ों रुपए पे विधायकों को खरीद रहे हैं, जो जनता बटोरती रहे, इनके लिए रोजगार नहीं रहेगा, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी सारी, और ये भिखारी बन जाए, इनको बांटते ही। कांग्रेस से पूछा था मैंने, तो बीजेपी का टर्न है जी। ये जो बोल रहे हैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, मालनपुर और बामौर इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ विकसित चल रहा है, और अगर इंडस्ट्रीज को किसी ने बंद किया है तो जेसी मिल, रैन मिल, ग्रेसिम मिल, इन कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने उसको बंद करने का काम किया है, और ये अगर चालू यहाँ उद्योग चालू किए तो भारतीय जनता पार्टी ने किए और लगातार चल रहा है। रुको भाई, हाँ? मालनपुर इंडस्ट्रीज बंद पड़ा, 2 लाख रोजगार कहाँ है सरकार के पास? 2 लाख रोजगार जी, आम आदमी पार्टी को बोलने दो। कवि जी आ रहे हैं, कवि को बड़ा संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। मैं आ रहा हूँ जी। हाँ? पहले तो 2-3 राउंड के बाद आपने मौका दिया आम आदमी पार्टी को, उसके लिए धन्यवाद। अरे भाई आप तो करूंगा सर, 2 मिनट हमें देंगे, बिल्कुल देंगे आप, जब तक बोलते रहे तब तक बोलते रहे। भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि हमारे मित्र बता रहे थे, जब भ्रष्टाचार पर बोलती है तो ऐसे लगता है जैसे डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पर उपदेश दे रहा हो। मतलब वो पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष सेना के ताबूत की दलाली करते ऑन कैमरा पकड़ा गया हो, जिस पार्टी ने मध्य प्रदेश के अभिभावकों का, युवाओं का भविष्य व्यापम जैसा पटवारी घोटाला किया हो, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री का मंत्रालय, जो बाल विकास मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, उस पर गरीब बच्चों का, कमजोर बच्चों को, कुपोषित बच्चों का पोषण आहार घोटाला करने का ऑडिट जर्नल की रिपोर्ट हो, और 200 करोड़ का मात्र 6 जिलों में उन्होंने घोटाला पकड़ा और जांच के लिए सिफारिश करी, वो जांच नहीं कराई गई, जिस पार्टी का केंद्रीय मंत्री, मैं आया टाइम है, वेरी क्विक रिस्पॉन्ड, आम आदमी पार्टी कह रही है आपका करप्शन है। देखो भैया, भ्रष्टाचार पर वो बात कर रहे हैं जिनके मंत्री, जिनके उप मुख्यमंत्री, जिनके सभी जेल में, और जिनमें करोड़ों के पर्दे लेने वाले, आम आदमी की बात करने वाले, जिनके दिल्ली के सभी मंत्री जेल में हैं, वो भ्रष्टाचार पर उपदेश कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? शकील मोहम्मद। शकील मोहम्मद, अरे कहाँ रह गए थे शकील इतनी देर से आए? अरे जी बोलना चाह रहे हैं साहब, जनता परेशान है। जनता परेशान है। शकील भाई कह रहे हैं जनता, रुको भाई, पहले शकील भाई का सवाल होगा, उसके बाद शकील भाई क्या कह रहे हैं? जी जो DEBA का कट्टा 500 रुपए का था, जो आज 1500 रुपए का 2000 का कट्टा बिचरा बाजार के अंदर, कौन सा DEBA का? DEBA खाद। हाँ खाद, DEBA का खाद। और जो नोटबंदी हुई थी, जो परेशान हाल थे लोग, तो धक्का खा रहे थे बुजुर्गों को उठा उठा के लेन में, जो खाद के कट्टे में जो लगे थे लेन में, उनको धक्का मार रहे थे, लठियां बज रहे थे, तो क्यों बोलते हैं उनके लिए जनता परेशानी थी ना। शकील भाई कह रहे हैं कि जो जिस पार्टी का केंद्रीय मंत्री, इसमें नहीं सुन, इसमें ना लो 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 जी,
मैं आ रहा। हाँ जी बोलिए। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भी जेल जाने वाले हैं। आप विवेचना अधिकारी मत बनिए, भले आप विवेचना अधिकारी मत बनिए, जो होगा वो देखेंगे, पर आप विवेचना अधिकारी ना बन जाइए। जी जवान के लिए ओल्ड पेंशन क्यों लागू नहीं हो रही? विधायक एक दिन का बनता है उसको ओल्ड पेंशन लागू होती है, क्यों ये मतभेद क्यों है? एक जवान बॉर्डर पर सिपाही गोली खाता है, इनको एक दिन का बोलते हैं, वो बोलते हैं रेवड़ी बांटेंगे, क्या है? आदमी 60 साल के बाद उसको ओल्ड पेंशन नहीं है, इनको दो दिन शपथ लेने के बाद भी ओल्ड पेंशन लागू। ये वो इलाका है जिससे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में लोग काम करने जाते हैं मजदूरी के लिए, और बहुत अधिसंख्य लोग जो हैं आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी जाते हैं यहाँ पे, बड़ा इसको बात फक्र की बात कही जाती है। ये इलाका वो इलाका है, और ओल्ड पेंशन का ये सवाल तीसरी बार पूछा गया, दो बार इस शो में और एक बार मैं दिन में घूम रहा था वहां। जी बाबूजी नमस्ते, अरे कहाँ रह गए थे आप, बहुत देर से आए। मेरा सर आपसे एक सवाल है। मेरे से? अरे है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, ये ऐसा लफ्ज क्यों बोलते हैं जो कि सभी देवी देवताओं को हिंदुओं के ऊपर ही बोलते हैं, और समाज के ऊपर क्यों नहीं बोलते? स्वामी प्रसाद मौर्य? हाँ जी, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी है, और ये ऐसा क्यों बोलते हैं? जो और भी नेता हैं उनके, ये बाहर के मंत्री हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि सवाल आपने पूछा, अब मैं जवाब दूं इसका जरूरी तो नहीं लगता, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, किसी को किसी की आस्था पे ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। किसी को ठेस पहुंचाने का अधिकार बाबूजी किसी को नहीं है। कोई किसी के आस्था को ठेस पहुंचाए वो बिल्कुल गलत है। जी बोलिए, क्या नाम? दो क्वेश्चन करूंगा, रवि राखे। एक आप आदमी के सवाल, आम आदमी पार्टी के नेता से कह रहा है कि वो भ्रष्टाचार के बारे में ग्वालियर के मंत्री को बता रहे, पहले अरविंद केजरीवाल का तो बताए कि अरविंद केजरीवाल का जन्म ईमानदारी की कोख से हुआ था, सबसे बड़ा भ्रष्ट है अरविंद केजरीवाल। दूसरा सवाल मैं कांग्रेस के पूछ रहा हूँ कि 25 वकील क्यों लगाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर राम को के जन्म के प्रमाण पत्र के लिए? क्या राम मंदिर आ ही गया, मुद्दा आ ही गया, मैं आया जी। बाईस तारीख को चल रहे हैं आप? देखिए, मैं जहां तक अपनी व्यक्तिगत बात करूं, जब शिला पूजन हुआ था, सुनिए मेरी बात, सुन रहा हूं, जब शिला पूजन हुआ था दान मैंने भी दिया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से प्रभावित है हमारे मित्र, कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया, पूरे विश्व को मालूम, पूरे हिंदुस्तान को मालूम। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है ना, यही बीजेपी के लिए ताला तो हमने खुलवाया है। प्रतीक जी, ये कांग्रेस के वो ही लोग हैं जो राम सेतु को तोड़वाने का षड्यंत्र रच रहे थे, जो अमरनाथ साइन बोर्ड की यात्रा रुकवाना चाह रहे थे, जो राम के अस्तित्व को नकार रहे थे 500 वर्ष तक। हाँ भैया, आप जिस विधानसभा ठहरे हैं यहाँ का विधायक बिका नहीं है, नहीं तो यहाँ के विधायक 60-60 करोड़ रुपए में बिके हुए हैं। कितने? 60-60 करोड़ करोड़ में कितने? वो जीरो होते। अरे बता दो, अरे बोल बता दूंगा।